डेविड कैमरन के इस्तीफे के बाद थेरेसा मे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। थेरेसा ने कहा कि ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के बाद कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं और हमें खुद को उनके लिए तैयार करना होगा। मार्गरेट थैचर के बाद थेरेसा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला पीएम हैं। न्यूयॉर्क के मॉन्टगोमरी में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। एक कार और कई ट्रक इस हादसे की चपेट में आ गए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक दुर्घटना के बाद हाईवे को कई घंटों के लिए बंद रखा गया। पूरी दुनिया में अपनी शानदार कारों के लिए पहचानी जाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज अपनी 130वीं सालगिरह मना रही है। इस मौके पर पेरिस में एक दिन की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें मर्सिडीज की शानदार कारों की नुमाइश की गई। आपको बता दें कि कार्ल बेंज और गॉटलिब डेमलर ने सन 1886 में जर्मनी में इस कंपनी की शुरुआत की थी। मॉस्को में फ्लाइट अटेंडेंट डे के मौके पर कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कैबिन क्रू ने रनवे पर कैटवॉक किया और अपना जलवा बिखेरा। इस फैशन परेड में सभी लोग अलग अलग तरह की ड्रेसेस में दिखाई दिए। जापान में 24 कैरेट सोने से बनी रग्बी बॉल को मित्सुकोशी डिपार्टमेंट स्टोर में बिक्री के लिए रखा गया है। इस बॉल का साइज रग्बी की ओरिजिनल बॉल के बराबर है और इसका वजन करीब 2.8 किलोग्राम है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस बॉल की कीमत करीब 38 मिलियन येन यानी करीब 3,73,000 डॉलर रखी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट में सरकार से असहमति रखने वाले लोगों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर किए जाने वालों में कई नाबालिग भी हैं। रिपोर्ट आने के बाद सरकार के विरोध में कई लोगों ने मार्च किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉर्चर से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मैक्सिको के एक स्कूल में आग लगने से हादसा हो गया। हादसे में दो लड़कियां झुलस गईं। बताया जा रहा है कि खेल के दौरान एक टीचर ने जलती हुई मोमबत्ती कार्डबोर्ड पर फेंकने के निर्देश दिए, जिससे आग लग गई। लापरवाही के आरोप में टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी निसान जल्द ही मार्केट में सेल्फ ड्राइविंग कार उतारने वाली है। इस कार में फ्रंट फेसिंग कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की सुविधा भी है। इसके साथ ही कार के अंदर 7 इंच का डिस्प्ले मॉनिटर भी दिया गया है। इस कार को प्रो पायलट का नाम दिया गया है। हाल ही में हुई विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में नस्लीय भेदभाव का मामला सामने आया है। गोविंदपाल कनूर नाम के शख्स ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि उसके आसपास के लोगों ने उसे लाइन से ये कहते हुए बाहर कर दिया कि वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। विंबलडन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि गोविंदपाल कुछ लोगों की शिकायत लेकर उनके पास आया था। टेस्ला की दूसरी ऑटो पायलट कार के क्रैश होने की जांच की जा रही है। इस कार को बनाने वाली कंपनी ने पिछले रविवार को हुई कार दुर्घटना के बारे में माना है कि जब दुर्घटना हुई तब ऑटो पायलट फीचर काम कर रहा था। कंपनी ने संकेत दिया कि इस ऑटो पायलट फीचर का दुर्घटना के समय सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस दुर्घटना में कार चालक बच गया, लेकिन इससे पहले फ्लोरिडा में एक और ऑटो पायलट टेस्ला कार की मई में एक लॉरी से टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना की वजह से टेस्ला के ड्राइवर जोशुआ ब्राउन की मौत हो गई थी।